शहर के गंगा जमुना बस्ती में साले के मित्र से मुलाकात के लिए एक व्यक्ति को आरोपी मित्र ने पत्नी और साले की मदद से लूट लिया। यह घटना लकड़गंज थाने के तहत गंगा जमुना बस्ती में हुई। फिरियादी मौदा निवासी मेघश्याम वासुदेव धकाते 52 है, जबकि आरोपियों में गंगा जमुना बस्ती निवासी रवि श्रावण कैकाड़े 40, उसकी पत्नी अफसाना 37 और कथित साली बरखा 35 का समावेश है। धकाते 14 अप्रैल को कार से एक काम के लिए नागपुर आए थे। यह काम निपटाने के बाद धकाते उनके साले के मित्र रवि से मिलने के लिए जमुना बस्ती स्थित उसके घर पहुंचे थे। वहां धकाते को रवि ने अपनी पत्नी अफसाना और साली बरखा से मुलाकात कराई, लेकिन अचानक कुछ देर बाद रवि ने मामूली बात को लेकर धकाते से विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों महिलाओं ने धकाते के हाथ पैर पकड़ लिए। वही कैकाड़े ने धकाते के गले की चेन, अंगूठी और नकदी 18,000 रुपए सहित 93,000 रुपए का सामान छीन लिया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मारपीट और लूटपाट से घबराकर धकाते वापस मौदा लौट गए, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने धकाते की हिम्मत बढ़ाकर शिकायत के लिए तैयार किया, जिसके बाद सोमवार को धकाते ने नागपुर के लकड़गंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लकड़गंज पुलिस ने आरोपी कैकाड़े और अन्य दोनों महिलाओं के खिलाफ लूट, धमकी, मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रवि कैकाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। घटनेतला जो फिर्याद आहे तो मौदा येथील राहणार आहे। त्याच्या साल्याचा मित्र असलेला रवि कैकाड़े नामक इसम त्याला गंगा जमुना मध्ये घेऊन गेला आणि त्याने सांगितलं की ही माझी पत्नी अफसाना, ही तिची बहीण बरखा। आणि ते बोलत असताना रवि कैकाड़े, त्याची बायको अफसाना आणि त्याची बायकोची बहीण बरखा यांनी त्याच्या गळ्यातली चेन काढून घेतली सोन्याची। त्यानंतर रवि कैकाड्याने त्याच्या खिशातून चावी काढून घेतली जबरदस्तीने। गाडीची चावी काढून गाडीच्या डिक्कीमधून 18,000 रुपये नगदी, तसेच 5 ग्रॅमची अंगठी असा एकूण मुद्देमाल 93,000 काढून घेतला आणि त्याला धमकावलं की जर तू कुणाला सांगितलं तर तुला जीवानिशी ठार करण्यात येईल। त्यामुळे फिर्यादीने घाबरून व आबरू जाईल म्हणून तक्रार दिली नाही। काल रोजी फिर्यादीने तक्रार दिली, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यातील आरोपी रवी कैकाडे व त्याची पत्नी अफसाना यांना अटक करण्यात आले। अटक करून आज रोजी PCR करिता मान्य न्यायालयात हजर केले असता मान्य न्यायालयाने त्यांना 26 तारखेपर्यंतचा PCR दिलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। रवी कैकाडे हा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे। याच्यापूर्वी पण त्याच्यावर शरीराविरुद्धचे गुन्हे दाखल आहेत आणि आरोपी यात वाढण्याची शक्यता आहे। तरी पुढील तपास सुरू आहे। वेलकम टू MNM ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज, बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। विजिट करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।